दादी, हमारा मन था कि अगर हमारा रिश्ता पक्का हो गया तो मैं इस मंदिर में मूली बांधेंगी। अब दूसरी गांठ ना दामाद जी बांधेंगे, तब जाके ये रिश्ता हमेशा के लिए पक्का होगा। अरे क्या हुआ दामाद जी? अरे ये दूसरी गांठ किसने बांधी? हम तो एक ही गांठ बांध कर गए थे। नहीं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कहीं पत्थर पे आपका नाम लिखा तो है नहीं। बाय द वे, आपका नाम क्या है? देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ आपने गांठ क्यों बांधी? हेलो, एक तो मैंने आपका काम कर दिया, यहाँ पे गांठ बांधी, थैंक्स बोलने की बजाय गुस्सा कर रही है। वेरी फनिया यार, लगता नहीं है वो मधुर आवाज वाली लड़की से मिलना हो पाएगा। अब चले भाई साहब यहाँ से, कि सारी जिंदगी उस लड़की की तलाश में यही समाधि लगाओगे। चलो भाई साहब, जो मिल रहा है ना उसको माता का प्रसाद मान के खा लो। ये प्रसाद प्रसाद तुम खाओ, मुझे कुछ अच्छा खाना है। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें खाना है तो खाओ, मैं छोड़ देता हूँ। हे विंध्यवासिनी माता, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसके मन में अपने श्रद्धा की ज्योत जगा दो माता, जगा दो। तो कहो, आज का दिन बहुत ही शुभ रहा, सब कुछ एकदम शांति से निपट गया। भाभी भाभी बताइए ना, कैसे हैं मेरे होने वाले जीजू? हाँ कमला, बताओ ना, गौरी का होने वाला दूल्हा कैसा है? तुम सब लोग हमसे क्यों पूछ रहे हो? झूठ कहे तो कहो, गौरी से पूछो ना कि कैसा लगा उसको उसका होने वाला दूल्हा। क्यों गौरी, बताओ ना। हाँ हाँ दीदी, बोलो ना, कैसे हैं हमारे होने वाले जीजू? ओहो गुंजन, तुम भी एक गुंजनिया, क्यों परेशान कर रही हो हमारी गौरी बिटिया को? लेकिन दादी, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग आए तो हम पूछें। अरे कमला बताओ ना, कैसा है दूल्हा? झूठ कहे तो कहो, तुमसे ज्यादा हैंडसम और तुमसे ज्यादा स्मार्ट। आप लोग बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। ऐसे भी आज तो बहुत ही ज्यादा थक गए हैं हम लोग। दुल्हन, तुम ऐसा काहे बोल रही हो? हमारा नीरज किसी से कम है क्या? तुम्हारे मायके वालों ने फोटो देखते ही पसंद कर लिया था हमारे नीरज को। ओफो दादी, हम कब से आपसे अपने होने वाले जीजू के बारे में पूछे जा रहे हैं और आप है कि भैया की तारीफ कर रही हैं। अरे गुंजन, कभी कभी तो हमारी तारीफ होती है, अरे होने दो ना। तारीफों वाला काम करोगे तभी तो होगी तारीफ। झूठ कहें तो कहो, इस बार तो तारीफ वाला काम मैंने किया है ना दादी? वो तो है, आज तो तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हारा सारा किया धरा माफ है। क्या हुआ दीदी? दादी ने जोक मारा। ये गुंजन, ज्यादा ना खीखी मत करो। झूठ कहे तो कहो, लड़की हो और लड़की की तरह रहो। तो भाभी, हम कहां लड़का बने जा रहे हैं? गुंजन चुप कर। भाभी आप ठंडा पानी पीजिए। दिमाग ठंडा हो जाएगा। क्या कहा आपने?
हमने कहा कुछ कहा? हमने कुछ कहा? अरे हम क्या कह सकते हैं, हम कहने वाले होते ही कौन है? क्या भैया आप भी ना। अच्छा अभी तक किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कैसे हैं मेरे होने वाले जीजू? प्लीज कोई बताएगा क्या मुझे? हाँ कुंचन धीरज रखो, अंदर चलो हम तुम्हें सब बताते हैं। चलो दुल्हन इस बार तो तुमने कमाले कर दिया, हमारी पोती के लिए हीरे जैसा लड़का ढूंढा है, हम तो धन्य हो गए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, चुक चुक जियो दूधो नहाओ पूतो फलो। भगवान ही जाने आज कितने दिनों बाद इनके मुंह से मेरे लिए तारीफ निकली है, वरना ये तो दुल्हन तुम बहुत थक गई होगी ना, हम तुम्हारे लिए शरबत बना के लाते हैं। अरे ले ले बेटे दादी लाते हैं। वो सूरज भान को भी तो जवाब जरा भी सब्र नहीं है। हेलो हाँ सूरज भान जी, झूठ कहे तो कहो बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी तो हम आप ही को याद कर रहे थे। तुमको हमें याद करने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी हम आपको ये बताना चाह रहे थे ना, आज मंदिर में सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया ना। गौरी कहाँ है? गौरी वो तो यही है घर में। घर में वहाँ क्या कर रही है? इसको तो यहाँ होना चाहिए था हमारे पास। अब झूठ कह तो कहो, ये आप क्या कह रहे हैं सूरज भांजी? अभी तो लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया है और बहुत सारी रस्में बाकी है। अब कैसी रस्म? पहले तुमने लड़के की फोटो मांगी, फिर उसके बाद तुमने कहा कि दादी लड़का देखना चाहती है। हमने सब कुछ किया, अब क्या चाहती हो तुम? जी अभी तो सगाई होगी, फिर शादी, फिर गौना, और इन सब के लिए पंडित जी से मुहूर्त भी तो निकलवाना पड़ेगा। अरे कमला रानी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमने मुहूर्त निकलवा लिया है, कल सुबह सगाई होगी, शाम को शादी, और उसके बाद गौरी हमारे पास हमारे घर में, समझी? अब कोई नाटक नहीं। नाटक? झूठ कहे तो कहो सूरज भांजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें मत समझाओ, बहुत दिनों से देख रहे हैं तुम्हारी ये करतूत। नहीं नहीं देखिए आप हम पे ना भरोसा रखिए। कमला रानी अब तुम भरोसे के लायक नहीं रही, हम खुद ही आते हैं गौरी को लेने। सगाई और शादी सब बाद में करवाते रहना। ये आप क्या कह रहे हैं सूरज भांजी? देखिए ऐसा कीजिएगा तब तो गजब ही हो जाएगा। आप क्यों कष्ट करेंगे, हम आ जाएंगे ना कल आपके पास। हाँ हाँ दुल्हन किसका फोन था? दादी वो सूरज भांजी का फोन था, पूछ रहे थे कि गौरी को कैसा लगा उनका छोटा भाई, आगे कौन कौन सी रस्में बाकी है, और हाँ ये भी कह रहे थे ना कि जो भी काम होंगे ना एकदम रीति रिवाज से होने चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं, इस बारे में हमें उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं दादी, झूठ कहें तो कहो, मिलने जुलने से ही तो रिश्ते में नजदीकियां आती हैं। हम है ना हम कल ही जाकर ना उनसे मिल लेंगे और आगे की सारी बातें तय कर लेंगे। नहीं बहुत दौड़ भाग है ना तुम्हारी जिंदगी में, लो शरबत पी लो ताकत आएगी।
दुल्हन एक बात कहें, हम भी चलें तुम्हारे साथ। शादी ब्याह का मामला है ना, अकेली कहाँ जाओगी? दादी ये 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 क्या कह रही हैं आप? झूठ कहे तो कहो, अब बाहर इतनी कड़ी धूप होगी, इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी आप? हम है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे, हमें पता है अपनी जिम्मेदारी कैसे संभालनी है। ऐसी बात नहीं है दुल्हन, वो क्या है ना कि लड़के वाले तो हमारा घर देख गए हैं, हमें भी तो उनका घर देख लेना चाहिए ना, क्या रहन सहन है उनका, काहे कि हम अपनी पोती भी आ रहे हैं ना उस घर में। हाँ दादी, अब झूठ कहें तो कहो, अब शादी तो तय हो ही गई है, और अब एक बार ना अच्छे से शादी होने दो, फिर देखते ना लड़के का घर बार। अब इतनी जल्दी क्या है दादी? देखिए दादी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ये विंध्यवासिनी माँ ही जाने कि क्या बात है, आखिर क्या सच्चाई है कि दुल्हन लड़के वालों का घर नहीं दिखाना चाहती। अम्मा, हमारी बात याद रखना, काट बांध लो, ये औरत ही घर का भला कभी नहीं चाह सकती। दीदी दीदी प्लीज बताइए ना, दीदी बताइए ना प्लीज, कैसे लगे आपको आपके होने वाले हस्बैंड जी? गुंजन, तू बार बार एक सवाल क्यों पूछे जा रही है? बंद कर ये सवाल पूछना। एक तो वैसे उस लड़के ने हमारा मूड खराब करके रख दिया, हर जगह मिल जाता है, ऊपर से विंध्यवासिनी माँ का तो ऐसे निरादर करता है जैसे खुद किसी देवता का अवतार हो। हम सच कह रहे, अगर हमारा बस चले ना तो उसे तो हम मिर्जापुर में एक मिनट भी ना रहने दें। ओफो दीदी, तुम क्यों स्ट्रेंजर पे इतना फायर हुए ही जा रही हो? वो तो जैसे आया था वैसे ही गो वेंट गॉन हो जाएगा। तुम तो मुझे ही बताओ, मेरे होने वाले जीजू दिखते कैसे हैं? हमें नहीं पता गुंज, एक तो उस लड़के ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है, हम पागल हो गए। दीदी, आप जितना जीजा जी के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रही हैं, उससे ज्यादा तो आप उस स्ट्रेंजर के बारे में बता रही हैं। यहाँ कहीं पत्थर पे आपका नाम लिखा तो है नहीं, बाय द वे आपका नाम क्या है? देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। मामला क्या है दीदी, हैंडसम था क्या? कौन? वही स्ट्रेंजर जिसके बारे में आप हमें इतनी सारी बातें सुनाई जा रही हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो समझ में आ जाएगा, और एक उसे भी, समझी? समझ गई। समझता क्या है खुद को। कितनी मिठास है ना तेरी आवाज में कि कोई भी दीवाना हो जाए।
तभी तो सूरज भान तेरी आवाज पे मोहित हो गए। अरे ये चुन्नी। दादी जब हम मंदिर से वापस आ रहे थे ना, तो ना जाने कहां से ये चुनरी उड़कर हमारे चेहरे पर आ गई। बताया आपको हम कितना डर गए थे, लेकिन बस हमने सच्चे मन से माँ से प्रार्थना की और हमें ये आशीर्वाद मिल ही गया। किस दुनिया से आई है रे तू? आज के जमाने में इतनी भक्ति इतना विश्वास कौन करता है भगवान पर? मैं तेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, ये माँ का प्रसाद ही तो है जो तेरी हर मनोकामना पूरी करता है। ये चुन्नी तेरी किस्मत है, यूं समझ ले माँ का रक्षा कवच है, इसे कभी अपने से दूर मत करना। जी दादी, इसे हम कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। ये ले, दूध पी ले और सो जा, मुझे भी कल जल्दी उठना है, बहुत जरूरी काम है। चोरों की तरह कहां जा रही है, देखते हैं। शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। हे विंध्यवासिनी माँ, हमें बहुत डर लग रहा है। जब तक दुल्हन की हरकत को लेकर हमें तसल्ली ना हो जाए, हमें चैन नहीं आएगा। अगर मोहन की बात में सच्चाई हुई तो कुछ भी हो जाए हमें पता लगाना ही होगा। हमारी गौरी की रक्षा करना माँ, उसके साथ कुछ गलत ना होने देना। दुल्हन कहां गायब हो गई? अरे क्या हो गया कंप्यूटर को? क्या हुआ गौरी, तुम इतना परेशान क्यों हो? अब देखो ना मुक्ति, पता नहीं समझ में ही नहीं आ रहा है, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। अरे ये तो 2 दिन से खराब पड़ा, पर मैंने कंप्यूटर ठीक करने वाले को कॉल किया, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। कंप्यूटर ठीक करने वाला गेट पे खड़ा है। तुम चलो, हम अभी आते। ठीक है। देखा, निकल आया तुम्हारी प्रॉब्लम का समाधान। अब चले। तुम्हारे साथ एक लड़का भी था ना? ल-
लड़का कौन लड़का है? किसकी बात कर रही हैं आप? अरे वही, वो बदतमीज था, एकदम नास्तिक। तुम्हें पता है मुख, उसने हमसे हमारी चुनरी भी छीन ली थी। अब जाने दीजिए ना। नहीं, उसे तो हम कभी नहीं भूल सकते।